हेलो नमस्कार, संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय झा। इस श्लोक में मैं आपको, ये जो श्लोक है ये सरस्वती स्तोत्र का श्लोक है और मैं एक सरस्वती स्तोत्र जो है पहले मैं आपको म्यूज़िक बता करके बता चुका हूँ। आइए आज दूसरा श्लोक भी मैं बता रहा हूँ और इसे श्लोक की तरह फ्री नोट्स के आधार पर गाते हैं, गा सकते हैं। ताल पर भी इसे गाया जाता है कई एक बार, लेकिन अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको फ्री नोट्स के आधार पर बता रहा हूँ। तो जब हम कोई भी भजन गाते हैं, सरस्वती वंदना, सरस्वती सॉन्ग, कोई भी अगर मान लीजिए हम गा रहे हैं सरस्वती भजन, या किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले जैसे हम सरस्वती माता का आह्वान करते हैं तो उसमें इसे गाया जा सकता है। तो मैं इसे अभी शुद्ध स्वर में, राग यमन के स्वर में आपको मैं इसे बताता हूँ कि किस तरह इसे गाया जा सकता है। तो मान लीजिए अगर आप कोई भजन राग यमन में गाने जा रहे हैं या क्लासिकल शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके पहले अगर आप श्लोक गा करके प्रार्थना करते हैं तो उसे किस तरह करेंगे। मैं सी शार्प से बताने जा रहा हूँ। तो सी शार्प नॉर्मली जेंट्स के लिए, मेल वॉइस के लिए होता है, परंतु मैं इस तरह बता रहा हूँ कि फीमेल भी इसे, बच्चे भी इसे कर सकते हैं। सी शार्प से ध्यान दें, ये है सा। तो राग यमन का जो स्वर है वो है सा रे गा मा तीव्र मा पा धा नी सा नी धा पा मा ग रे सा। और पहले मैं आपको एक टिप दिया हूं कि जब भी आप किसी राग के आरोह अवरोह को तैयार करें तो उसे तीनों सप्तक में तैयार करें। इवन आपको क्लास में या कहीं पर आप सीखते हैं या बुक से देख करके गा रहे हैं या यूट्यूब से कुछ सीख रहे हैं, तो जब आप राग यमन के आरोह अवरोह को जानते हैं तो उसे फ्री नोट्स के आधार पे तीनों सप्तक में यूज़ करें। और ये समझिए कि जो स्वर आप मध्य सप्तक में लगा रहे हैं यही स्वर हर जगह लगेगा, जैसे इधर भी है ना। तो राग यमन कंप्लीट पूरे स्वर में हर जगह जो है, हर पूरे हारमोनियम में आप बजा सकते हैं। तो ये जानकारी से आप म्यूजिक बजाने में सक्षम हो सकते हैं और आपको म्यूजिक बजाने में सुविधा होगी। आइए इसे देखते हैं राग यमन के। अगर हम क्लासिकल प्रारंभ करने जा रहे हैं तो उससे पहले अगर हम श्लोक गाते हैं तो उसे बहुत ही गंभीरता से लेंगे, गंभीरता से गाएंगे, जैसे इस तरह। ओ तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदन पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवे सदा पूजिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ठीक है, तो इस तरह से राग यमन के स्वरों पर, और जो स्वर मैं अभी गाया
आवश्यक नहीं है कि यही स्वर गाया जाए, इसे दूसरे तरीके से भी गाया जा सकता है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्या पहा। ठीक है, इस तरह से किया जा सकता है और इसी में थोड़ा सा स्पीड बढ़ जाएगा और चंचलता थोड़ी सी बढ़ जाएगी। अगर किसी भजन के गाने के पहले हम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई गाना मैं गाने जा रहा हूं जो, या प्रोग्राम राग यमन के किसी भजन से शुरू करने जा रहा हूं, जैसे जय रघुनंदन जय सियाराम, जय रघुनंदन जय सियाराम, मान लीजिए ये भजन गाने का मतलब मैं शुरुआत करने जा रहा हूं, तो इसके पहले हमें जैसे प्रेयर करना है मंच पर प्रदर्शन करते समय या जिस समय भी हम गाते हैं, तो सरस्वती या गणेश भगवान को हम याद करते हैं, तो उस दृष्टिकोण से ये श्लोक बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो इस तरह उसको किया जा सकता है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्या पहा। ठीक है, तो इस श्लोक में अभी जो मैं आपको बता रहा था, उस बताने का मकसद मेरा ये है कि आप ये समझ सकें कि जिस राग में हमें गाना है उस राग के नोट्स पे हम कोई भी आवाहन का श्लोक गा सकते हैं। जैसे गणेश वंदना ही है तो उसे भी गाया जा सकता है, जैसे है ना गजानन भूत गणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम उमा सुतंग शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, है ना। या मान लीजिए शंकर भगवान का भजन गाने जा रहे हैं और उससे पहले कर्पूर गौरम करुणा बतारम संसार सारंग भुजगेंद्र हारम गाने जा रहे हैं, तो उन श्लोकों को अपने मन से कहीं भी गाया जा सकता है, केवल आपको ध्यान रहना चाहिए उस राग के स्वर का। तो अगर आप राग के स्वर को जानते हैं, आरोह अवरोह को जानते हैं, तो उन्हीं नोटों पर रुक रुक करके आप गाएं। जैसे देखिए एक जस्ट एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, कर्पूर गौरम है ना, तो वही राग यमन मान लीजिए है, तो इसमें ये सब नोट है, तो इसमें भी हम कर्पूर गौरम गाते हैं, कर्पूर गौरम करुणा बतारम संसार सारं भुजगेंद्र हारं सदा बसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमः।
तो ये अगर आप समझ जाते हैं किस तरह से हमें श्लोक को बोलना है, तो ये एक प्रारंभ करने का बहुत अच्छा तरीका है। और जो रामायण का पाठ करते हैं या गीता का प्रवचन करते हैं, उन्हें भी ये बहुत फायदा पहुंचा सकता है, क्योंकि जब हम रामायण कथा करते हैं तो रामायण में भी सबसे पहले आवाहन के लिए श्लोक बोलते हैं। तो अगर आपको राग का पता है और उसके आरोह अवरोह का पता है, तो आप इस पद्धति से आराम से किसी भी श्लोक को गा सकते हैं, आप खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तरीका है श्लोक को गाने का, आवाहन करने का, ठीक है। फिर दूसरे वीडियो के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। और अंत में जाते जाते ये मैं ज़रूर कहूँगा कि बहुत सारे लोग मुझे, बहुत सारे लोग कॉल करते हैं और ईमेल करते हैं कि आप ये भजन प्लीज़ बजा दीजिए, ये श्लोक बजा दीजिए, ये रामायण का धुन बजा दीजिए। और उन्हें जब मैं ये कहता हूँ कि मैं कुछ धुन और दिया हूँ, ऑलरेडी अपलोड किया हूँ, तो वो कहते हैं कि मुझे पता नहीं चल पा रहा है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको अपलोडिंग का पता नहीं चलेगा, मैं नया क्या डाल रहा हूँ उसका पता नहीं चलेगा आपको। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इसे सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको ईमेल पर नोटिस जाता है, नोटिफिकेशन मिल जाता है कि संगीतांजलि म्यूजिक स्कूल क्या अपलोड किया है ना। तो आप सबसे पहले लोग होंगे, सब्सक्राइब करने वाले लोग हैं सबसे पहले जो जान जाते हैं कि क्या अपलोड किया गया है, तो आपको भी वो मिल जाएगा और आप सीखने में कामयाब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप इसे भी प्रैक्टिस करें, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं प्रैक्टिस करने के लिए, उसे करें, सीखें, खूब मन लगा करके अच्छा करें, ठीक है। और मैं दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात करूँगा, तब तक आप अपना ख्याल रखें, नमस्कार।